राजधानी रायपुर में मोहब्बत का इंस्ट्रूमेंट कहे जाने वाले सैक्सोफोन के लिए एक खास आयोजन किया गया था। सैक्सोफोन की दुनिया के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में संगीत के साथ इस इंस्ट्रूमेंट का इतिहास भी लोगों के जहन में उतार रही थी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य सैक्सोफोन के बादशाह कहे जाने वाले मनोहारी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक म्यूजिशियन रहे हैं। उन्हीं में से एक मनोहारी सिंह थे जिन्होंने हजारों फिल्मों में सैक्सोफोन बजाकर गानों में जान डाल दी। उनके द्वारा सैक्सोफोन बजाकर जो धुन निकाली गई उसे लोग आज भी याद करते हैं। मनोहारी सिंह ने जंगली, कश्मीर की गली, ज्वेल थीप जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया है जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। इस शानदार आयोजन में हॉल के अंदर और बाहर खड़े सभी के दिलों में इस अद्भुत वाद्य यंत्र का जादू जगा दिया। चौबे ने जहां फिल्मों के क्लिपिंग के माध्यम से मनोहारी सिंह की बजाई कई धुनों को सुनाकर श्रोताओं को उसके किस्से बताए, वहीं मनोज अरोड़ा ने सैक्सोफोन के इतिहास पर आधारित कई अनजान पहलू को जगाकर अचंभित कर दिया। सैक्सोफोन को कई बैंड और पार्टी में सुनते हैं लेकिन उसे देखने का नजरिया इस प्रोग्राम के माध्यम से बदल गया। अभी तक जिस वाद्य यंत्र को रोमांटिक धुनों के लिए सुना जाता था उसे कई रंगों में देखा और सुना। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजीपी डीएम अवस्थी, आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित शहर भर के संगीत प्रेमी मौजूद थे। सभी ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। रायपुर के दिलेश और पिंटू द्वारा सैक्सोफोन से फिल्मी गानों की निकाली गई धुन ने लोगों का दिल जीत लिया। बतौर मुख्य अतिथि डीजीपी डीएम अवस्थी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस कार्यक्रम में आकर जो शांति मिली है उसे बयां नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। बड़े लंबे अरसे के बाद कम से कम मैंने तो इतना अच्छा कार्यक्रम देखा। सैक्सोफोन के रूप में जाना जाता है और बहुत ही कठिन है इसको बजाना और इतना आसान नहीं है। जितना सुनने में अच्छा दिखता है उतना ही बजाना भी कठिन है। अब रहा सवाल कि ये कार्यक्रम कैसा था, ये तो आप लोग सब देख ही रहे हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आगे भी बाकी है, बहुत सारे मधुर गीत और जिस तरह से उसकी, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे उन्हें शायद कम से कम जो लोग संगीत को अच्छे से समझते हैं और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग वृंदावन हाल में ये कोई कार्यक्रम देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जाज की दुनिया है, ये सैक्सोफोन की दुनिया, और ये कहीं यूरोपियन काउंटी में एक छोटा सा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है कार्यक्रमों में, और उस तरह का कार्यक्रम और उसी तरह का कॉन्सर्ट हॉल दिख रहा है, तो ये भी एक बहुत बधाई की बात है। और आखिर में जो महत्वपूर्ण बात सबसे ज़रूरी ये है कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता की और एकमात्र उसका जो मापदंड होता है वो वहाँ उपस्थित श्रोता होते हैं और दर्शक होते हैं। रायपुर में अपनी ही तरह के हुए इस अलग कार्यक्रम में जहाँ शहर के तमाम म्यूजिक लवर्स पहुँचे, वहीं कई सियासी दिग्गज और अफसरों ने भी इस शाम का लुत्फ उठाया।
और देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।